गाइस ये सिवान जिला में अभी आग लग चुका है, देखिए वहाँ पे, और इधर में गाड़ी जा रही है, तो देख सकते हैं कितना तेजी से यहाँ पे गाड़ी जा रही है। सामने में देखिए बहुत ही बम्पर आग लगा है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए बहुत ही समीप पहुँचने वाले हैं हम, और देखिए गाड़ी सायरन बजा रही है। और यहाँ पे पहले से बहुत ही जल्द हम लोग पहुँचेंगे, बहुत जल्द पहुँच रहे हैं, हम आपको अभी दिखाएंगे। देखिए कहाँ आग लगा है, अब कुछ पता नहीं चल रहा है किसमें लगा है, अभी दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पे देखिए फोर्स पहुँच गई है, भीड़ भी लगा है। इधर में ऑलरेडी छोटी गाड़ी आ चुकी है, और इधर में देखिए देखिए इधर पास में घर है, इधर में देखिए कितना तेजी से काम चल रहा है। आते थे काम चालू हो गया, यहाँ पे भीड़ देखिए कितना लगा हुआ है। बहुत तेजी से काम हो रहा है सब कुछ, और अभी जल्दी नहीं बूतेगा तो फिर इधर साइड में घर था, दिक्कत हो सकता था। और यहाँ पे हमारी जो अग्निशामक फोर्स से काफ़ी आगे है, देखिए बहुत ही समय पे पहुँच के आग को बुझा रही है। देखिए तीन तीन यहाँ पे लगे हुए हैं, एक दो तीन तीन चार चार तरफ से इसको बुझाया जा रहा है। देखिए हकाम है, हकाम हाईवे है, ये देख सकते हैं, ये मेन रोड है, इधर में पूरा भीड़ लग गया है, ये हकाम हाईवे है। सामने में देखिए घर है, बच गया। बहुत लंबा एरिया में आग लगा था, देख सकते हैं, इसके बाद घर था। अगर समय पे नहीं आती फोर्स तो देखिए बहुत दिक्कत हो सकता था, बट यहाँ पे सब कुछ बच गया। लगने से पहले ये यहाँ पे मौजूद थे, तो आग कैसे लगा बता सकते हैं? नहीं पता है, यहीं पे रहते हैं देखिए। और इसके बाद उधर में गेहूं का खेती था, बहुत दिक्कत हो सकता था अगर समय पे फोर्स नहीं आती तो। अच्छा उधर में,
और अभी पूरे सही तरीके से आग बुझ गया। देखिए अरे इधर थोड़ा लगा है, तभी उधर पुलिस फोर्स जा रही है, जो हमारे अग्निशामक फोर्स है उधर जा रही है, अभी बुताने उधर में पकड़ रहा है। देखिए वो लोग अंदर में जाकर पानी मार रहे हैं, देख सकते हैं। तो सिवान पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद, एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया है, तो इसके लिए थैंक यू सो मच सिवान, हमारे जो अग्नि फोर्स है।